नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जै हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे जो है आपके फोन पे में दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं तो अगर आपने पहले से कि आपके फोन पे में कोई बैंक अकाउंट को ऐड किया है और अगर आपको कोई और दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हो वही मैं आपको आज के इस वाले वीडियो में बताने वाला तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट कर दें सो so गई देखो अगर आपको भी आपके फ़ोन पे में कोई बैंक अकाउंट को ऐड करना है ना तो इसके लिए आपको क्या करना होगा देखो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपके फ़ोन पे का जो ऐप होता है ना उसे ओपन कर देना है तो यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ अपने फ़ोन पे के ऐप को तो अब आप जैसे ही यहाँ पर आपके फ़ोन पे के ऐप को ओपन करोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा दिखा। तब तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ऐड एड्रेस वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो हमें प्रोफाइल वाला आइकॉन दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको ये जो प्रोफाइल वाला आइकॉन है इस पर क्लिक करना है अब जैसे आप क्लिक कर दोगे प्रोफाइल वाले आइकॉन पे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर और वो सब कुछ डिटेल्स दिखाई देगी आपका नेम भी दिखाई दे सकता है यहाँ पर तो अब आप दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है उसके नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पहले से एक बैंक अकाउंट को ऐड किया है अब अगर आपको और कोई न्यू बैंक अकाउंट को ऐड करना है तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको ऐसे स्क्रोल करना है अब जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड बैंक अकाउंट का तो आप क्या करना है जो प्लस वाला आइकॉन है ना उस पर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक कर दोगे ऐड बैंक अकाउंट पे तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है देखो यहाँ पर अब आपको आपका जो जो भी नंबर है ना जो आपने लिंक करके रखा है आपके फोन पे में आपने जो भी नंबर दिया होगा ना वो नंबर ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ जाएगा और आपको यहाँ पर दिखाई देगा सिलेक्ट बैंक लिंक्ड विथ दिस नंबर तो जो भी आपका नंबर है वो ओके तब आप क्या करना है कि आपके नंबर से जो भी बैंक अकाउंट में लिंक होगा ना आपका नंबर जिसे भी आपको ऐड करना है उसे सिलेक्ट कर देना है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारी जो बैंक है ना सभी की सभी सबीक बैंक आपको यहाँ पर दिखाई देगी तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कि कौन से बैंक अकाउंट को यहाँ पर मुझे लिंक करना है तो सपोज अगर हमारा हाँ ये बैंक अकाउंट है तो आपको उस पर क्लिक करना है ये है बैंक ऑफ इंडिया तो आपको बैंक को सिलेक्ट कर देना है जैसे आप बैंक को सिलेक्ट कर दोगे तो अब वो ऑटोमेटिकली चेंज करेगा कि आपके नंबर से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है तो ये आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट कौन सा है बैंक अकाउंट का नंबर क्या है आपका नेम क्या है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ पर अगर आपने इसे ऐड नहीं किया तो नीचे की तरफ आपको ऐड वाला ऑप्शन आएगा लेकिन मैंने पहले से ही इसी वाले अकाउंट को ऐड करके रखा है तो मुझे इसे ऑप्शन नहीं आ रहा मुझे सिर्फ डन पे क्लिक करना है और अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड पे क्लिक कर सकते हो तो डायरेक्टली आपका जो बैंक अकाउंट है ना वो ऐड हो जाएगा और उसके बाद में आपको जो है यूपीआई पिन सेट करने को कहा जाएगा तो आप वो भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक यू सो मच